नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सन्नी राणा और आप देख रहे हैं टेक्निकल सन्नी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं द रेडमी नोट 6 प्रो के ऊपर। फाइनल दोस्तों रेडमी नोट 6 प्रो फोन कैसा है, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स आपको मिले हैं, क्या है फोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आज टोटली उस फोन के बारे में हम टोटली बात करेंगे। मैं अपने ओपिनियन शेयर करने वाला हूँ इस फोन के बारे में और क्यों इतना यह फोन कमाल है, क्या इसके अंदर ऐसा क्या डला हुआ है इस फोन को इतना सुपर बनाता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जब मैंने इस फोन को ना फाइव स्टेप्स में डिवाइड किया, जो पहला जैसे कि कैमरास, प्रोसेसर और जो कि बैटरी लाइफ और सेंसर्स और जो कि आपका डिस्प्ले, तो हम पहले दोस्तों बात करेंगे फोन की डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले कैसी है दोस्तों, डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों 6.26 इंच का डिस्प्ले मिलता है जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है और जिसका जो एक्सेप्ट रेशियो निकलता है 19:9 के एक्सेप्ट रेशियो के साथ में था, और 81.1% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है। डिस्प्ले क्वालिटी आपको एमोलेड तो नहीं मिलती, बट दोस्तों इसके अंदर आपको मिलता है IPS LCD का डिस्प्ले मिलेगा। यानी दोस्तों डिस्प्ले के मामले में तो फोन बिल्कुल नंबर वन है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों प्रोटेक्शन के बारे में, डिस्प्ले के अंदर प्रोटेक्शन क्या मिलती है रेडमी नोट 6 प्रो के अंदर। इसके अंदर दोस्तों आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है, बाकी दोस्तों इस फोन के अंदर ये शो नहीं है कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 1, 2, 3, 4, 5 या 6 की प्रोटेक्शन, बस अनस्पेसिफाइड वर्जन बोला हुआ है। यानी कि दोस्तों चलो फिर भी इसके अंदर आपको प्रोटेक्शन तो मिल रही है, वो भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की। अब दोस्तों सेकेंडली हम बात करते हैं फोन के प्रोसेसर को लेकर के, भैया प्रोसेसर कैसा है। दोस्तों प्रोसेसर का नाम है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 का प्रोसेसर है जो कि 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बना हुआ दोस्तों, और जो कि एक ऑक्टा कोर CPU है और जिसको एंड्रीनो 509 का GPU निकल गया था दोस्तों। मतलब प्रोसेसिंग के मामले में तो फोन ये बिल्कुल गोल्ड है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर आपको कोई लैक नहीं मिलेगी। अगर आप गेमिंग खेलना पसंद करते हैं तो दबादब इसके अंदर आप GTA डालिए, GTA San Andreas डालिए, कोई सी भी गेम डालिए, PUBG डालिए, PUBG भी खेलिए, तभी इस फोन के अंदर आपको लैक नहीं मिलने वाली है। यानी कि दोस्तों प्रोसेसर के मामले में तो फोन बहुत ही ज्यादा कमाल है दोस्तों। अब दोस्तों बात होती है इसके कैमरास के बारे में दोस्तों, तो यह है दोस्तों इसके अंदर आपको क्वाड कैमरास का सपोर्ट मिलता है, यानी कि दो तो फ्रंट में कैमरा मिलता है और दो ही मिलते हैं आपको बैक के अंदर। दोस्तों बैक के अंदर जो आपको कैमरास वगैरह मिलते हैं वो है 12 मेगापिक्सल प्लस में 5 मेगापिक्सल। 12 मेगापिक्सल का अपर्चर निकल गया था, f.19 का अपर्चर निकल गया था, 5 मेगापिक्सल वाले का अपर्चर निकल गया था f.2.2, जो कि एक डेप्थ सेंसर के साथ में आता है। यानी कि जो आपकी पिक्चर्स क्वालिटी है बहुत ही ज्यादा रंगीन, ब्राइट, शार्प होने वाली है, यानी कि और अलग अलग मोड्स आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों सेल्फी कैमरा के बारे में, तो दोस्तों सेल्फी कैमरा जो कि आपको मिलता है ड्यूल सेल्फीज कैमरा सपोर्ट मिलता है, यानी कि 20 मेगापिक्सल जिसका अपर्चर निकल गया था f2.0 और 2 मेगापिक्सल जिसका अपर्चर निकल गया था f2.2, और जो भी एक डेप्थ सेंसर के साथ में आता है, यानी कि बोके मोड, पोर्ट्रेट मोड या आपके जितने भी ब्यूटी जो भी आप यूज करते हैं दोस्तों, तो इसके अंदर आपको बहुत ही रंगीन और बहुत ही ज्यादा खास सेल्फीज या प्रीटी जो भी बोल सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छी सेल्फीज आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। बात होती है दोस्तों इस फोन के बारे में, बात करते हैं हम सेंसर्स के बारे में दोस्तों। तो बैक के अंदर आपको एक सेंसर मिलता है जो कि फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है दोस्तों, यानी कि जो बैक के अंदर मिलता है, और इस दोस्तों इसकी फुल मेटल बॉडी के साथ में आता है, यानी कि कोई आपको ग्लास या फिनिशिंग वगैरह नहीं मिलती, यानी कि आपको सिर्फ मेटल बॉडी मिलेगी। और दोस्तों यह फोन एक नोच की डिस्प्ले के साथ में आता है, यानी कि वाटर डॉप नोच नहीं मिलती ना ही होल मिलता है, सिर्फ एक आपको नोच मिलेगी जो कि थोड़ी सी बड़ी होगी, जिसके अंदर आपको सेंसर्स वगैरह और जो कैमरास वगैरह मिलते हैं दोस्तों। फिंगरप्रिंट स्कैनर इसके अंदर आपको बैक के अंदर मिलता है दोस्तों। अब दोस्तों बात होती है फोन की बैटरी के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि फोन की बैटरी नहीं होगी अच्छी तो आप कैसे इस फोन को एंजॉय कर पाए दोस्तों। 4000 mAh की बैटरी मिलती है इस फोन के अंदर, यानी कि दोस्तों आपका पूरा दिन इजिली निकल जाएगा, यानी कि और उससे भी अच्छी बात है दोस्तों ये फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ में आता है, यानी कि इसके अंदर आपको 2 एम्पेयर 5 वोल्ट का आपको चार्जर मिलता है जो कि 10 वोल्ट तक आपको आउटपुट देता है। यानी कि दोस्तों आपका फोन जो कि सेकंडों के हिसाब से चार्ज कर देगा, यह चार्जर इतना फास्ट है, यानी कि दोस्तों चार्जिंग के मामले में तो बहुत ही ज्यादा गजब है फोन। अब बात होती है कलर्स, किन कलर्स में अवेलेबल है दोस्तों, तो ब्लैक, ब्लू, रोज गोल्ड और दोस्तों ऐसे रेड कलर, इन चार कलर्स में अवेलेबल है दोस्तों। तो आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन या आपको जहां से भी दिल करे इस फोन को परचेज कर सकते हैं दोस्तों। एक मेन बात रहेगी इसके अंदर आपको USB 2.0 का सपोर्ट मिला है, अगर USB 3.0 होता तो दोस्तों बहुत ही अच्छा होता, बट
आने वाले टाइम में क्या पता हमें शोमी के इसी सीरीज के अंदर यूएसबी 3.0 मिल जाए, मतलब बजट फोन के अंदर यूएसबी टाइप सी आ जाए, तो कुछ बात ही अलग हो जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों सेंसर्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, और बाकी जो सेंसर है जायरो सेंसर कंपास जो टोटल सेंसर इस फोन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। 4000 mAh की फुल बैटरी मिलती है। अब दोस्तों प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं कि इसकी प्राइसिंग क्या निकल के आती है। दोस्तों यह फोन दो रैम वेरिएंट में अवेलेबल है, एक 6GB RAM और दूसरा है 4GB RAM। दोनों के अंदर जो स्टोरेज कैपेसिटी है, स्टोरेज रैम अवेलेबल है 64GB है, यानी कि 64GB के साथ ही मिलता है। 6GB RAM लेते हैं तो 64GB ही स्टोरेज ऑप्शन मिलेगा, और जो 4GB RAM लेते हैं तो उसके अंदर भी आपको 64GB ही स्टोरेज ऑप्शन मिलता है। फ्लिपकार्ट पे जो कि इसकी प्राइसिंग निकल के आती है दोस्तों, वो है 4GB RAM वाले की बात करते हैं दोस्तों, उसकी प्राइसिंग निकल के आती है 13,999 रुपये, यानी कि 14,000 रुपये, और जो कि 6GB RAM वाले की प्राइसिंग निकल के आती है 15,999 रुपये, यानी कि दोस्तों 16,000 रुपये। दोस्तों दोनों ही रैम वाले वेरिएंट दोनों ही कमाल है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं आपको कौन सा बेटर रहेगा अगर आप इस फोन को परचेज करते हैं, तो मैं दोस्तों रेकमेंड करता हूँ कि 4GB वाला परचेज कीजिए, क्योंकि एक तो आपके पैसे बच रहे हैं और ऊपर से उसके ऊपर आपको मिल रहा है, अगर आप HDFC बैंक यूजर है, डेबिट कार्ड यूजर है, क्रेडिट कार्ड यूजर है, तो आप उससे परचेज करते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, यानी कि दोस्तों आप उससे ऑनलाइन परचेज करेंगे तो 10% का बेनिफिट होगा, और 2000 रुपये शोमी खुद से आपको डिस्काउंट दे रहा है। तो जाइए दोस्तों फ्लिपकार्ट के ऊपर से ये कहीं से भी इस फोन को परचेज कीजिए, मैं रेकमेंड करता हूँ दोस्तों आप फ्लिपकार्ट से ही परचेज करना, क्योंकि इसके अंदर आपको काफी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। तो दोस्तों फोन बहुत ही ज्यादा कमाल है दोस्तों। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, तो दिखाइए थोड़ा सा प्यार और कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, और साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलना, जो कि आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा जो कि कोने में कहीं है, तो दोस्तों उसको जाइए और बिल्कुल प्रेस कीजिए, बिल्कुल फ्री है, और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना दोस्तों। मैं ऐसे ही वीडियोज लेकर के आता रहूंगा, और हमने एक सीरीज स्टार्ट किया दोस्तों जिसके अंदर आपको डेली एक मोबाइल से रिलेटेड वीडियो मिलेगी। मैं अपनी ओपिनियन शेयर करूंगा दोस्तों, जितने भी जो कि एक बजट फोन होगा तो एक हाई लेवल का फोन होगा दोस्तों, तो दोनों ही अलग अलग फोन्स, और साथ में मेरी टेक न्यूज जरूर देखिए दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।